क्या आप जानते हो कि आने वाले दिनों में सोने चांदी की कीमतों में भारी बदलाव आने वाला है? क्या आपको पता है कि सोना सस्ता होने वाला है? जी हाँ, पूरी दुनिया में कोरोना का साया बना हुआ है। भारत में देशव्यापी लॉकडाउन जारी है, लेकिन कई सारी रियायत दे दी है, जिसमें सोने चांदी की शॉप खोलने की इजाजत भी शामिल है। हालांकि कुछ शर्तें भी दी है। ऐसे में अगर सोने चांदी की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार सोने और चांदी की कीमतों में तेजी जारी है। ऐसे में सोने चांदी की खरीदारी करने वालों के लिए यहाँ पर बड़ी खबर है। अगर आप भी सोने और चांदी से पैसा कमाना चाहते हो तो ये खबर आपको जाननी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन इससे पहले आप सभी से प्यारा सा निवेदन है कि अभी तक गोल्डन बीज को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को तुरंत ही दबा दे। वही खबरों की माने तो ऐसी कई सारी बड़ी खबरें हैं जिसमें दावा किया गया है कि आने वाले दिनों में सोने के भाव में भारी बदलाव आएगा। लेकिन क्या सोने की कीमतों में भारी गिरावट आएगी या नहीं? कमोडिटी बाजार के कारोबारियों की माने तो उनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का भाव $1,750 प्रति ओस के स्तर को पार कर सकता है। लॉकडाउन के बीच सरापा बाजार बंद होने के कारण डिमांड में काफी सुस्ती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का भाव तेजी से ऊपर आ चुका है। एक्सपर्ट की माने तो कोरोना की वजह से काफी बड़े स्तर पर निवेशकों का रुख शेयर बाजार के बजाय सोने में निवेश बढ़ा है। यही वजह है कि लगातार सोना महंगा होता जा रहा है। सोने की कीमतों में लगातार बड़ी तेजी आ रही है। सोना कब सस्ता होगा और कब इसे खरीदने का मौका मिलेगा, इसका इंतजार शायद ज्यादातर लोगों का है। लेकिन निवेश के लिहाज से सोना कभी भी खरीदा जा सकता है। कई जानकारों का कहना है कि अभी सोने चांदी में निवेश करना सही समय माना जा रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी तेजी आएगी। वही अगर कीमतों की बात करें तो सोने की जून वायदा कीमतों में इस बार 47,800 के स्तर को छू सकती है, जिसके कारण इस हफ्ते इसमें उछाल देखने को मिलेगा। वही कीमतों पर नजर डाले तो सोने का भाव 46 से लेकर 48,000 के आसपास है। आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी तेजी का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि सोने और चांदी में निवेश करने वालों के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका साबित हो सकता है। सामान्य ज्ञान के प्रश्न की बात करें तो जापान पर परमाणु बम किसने गिराया था, इसका सही जवाब आपको नीचे कमेंट करके देना है। और इसी के साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर भी करना है। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।